because the tiger is very proud of his strongness, right? So today we see the question answer. But you are little one, you have not habituated with the question answer, but you have to still learn at home partially. थोड़ा 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 आप लर्न करोगे तो आपको आ जाएगा. और यू हैव टू सी द क्वेश्चन फर्स्ट, देन सम वर्ड यू हैव टू राइट फ्रॉम द क्वेश्चन. आपको क्या करना है, थोड़े वर्ड जो है वो क्वेश्चन में से देख के लिखने हैं और थोड़े के स्पेलिंग आपको ऐड करके लिखने हैं और स्पेलिंग उसके लर्न करने हैं. तो मैं बताती हूँ आपको कैसे क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं एंड हाउ टू लर्न द क्वेश्चन आंसर वेरी इजीली. ओके, नाउ लुक एट हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट, आई हैव गिवन ओनली थ्री क्वेश्चन, सो इट इज वेरी इजी फॉर यू. यू हैव टू लर्न ओनली द इजी इजी क्वेश्चन आंसर. राइट, ओके, फर्स्ट नंबर, व्हाट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय. What the tiger do when the mosquito came buzzing by? Tiger क्या कर रहा था जब mosquito buzzing करके गुन 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 करके ऐसे जब आया तब tiger क्या कर रहा था? तो सबको पता है कि tiger was dozing under a tree. Tiger जो है वो tree के नीचे आराम कर रहा था, है ना? तो पहले हमको answer में क्या लिखना है, tiger, फिर was, फिर dozing का spelling आपको learn करना है, है ना? टाइगर वॉज डोजिंग, फिर अंडर का स्पेलिंग लर्न करना है एंड अंडर अ ट्री. राइट, तो ऐसे आपका पहले टाइगर ट्री के नीचे आराम कर रहा था, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, टाइगर. तो पहले हम लिखेंगे द टाइगर. राइट, फिर टाइगर क्या कर रहा था, फिर यहाँ पे देखो वॉज है तो वॉज के बिना तो सेंटेंस बनेगा नहीं. तो टाइगर वॉज, टाइगर क्या कर रहा था, डोजिंग. तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइगर वॉज डोजिंग. तो यहां से देखो, यहां से टाइगर लिखना है द टाइगर, यहां से वॉज लिखना है, फिर लिखना है डोजिंग, फिर अंडर का स्पेलिंग लिखना है एंड यार अंडर अ ट्री. किसके नीचे डोजिंग कर रहा था, ट्री के नीचे. राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन आंसर, है ना इजी. देखो यहाँ से टाइगर लिया द टाइगर, फिर वॉज, फिर डोजिंग का स्पेलिंग मैंने हार्ड वर्ड्स में भी दिया है. तो आप हार्ड वर्ड्स लर्न करते हो ना घर पे, तो हाँ हार्ड वर्ड्स तो सबको लर्न करने ही पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन आंसर वगैरह सब आएगा. तो डोजिंग का स्पेलिंग लिखना है, फिर अंडर का स्पेलिंग लिखना है एंड अ ट्री, ट्री का स्पेलिंग तो सबको आता ही होगा, है ना. हो गया इजी. ओके, नाउ सेकंड वन, व्हाई डिड द टाइगर चीक स्टार्ट टू ब्लीड. टाइगर का चीक्स जो है वो क्यों ब्लीडिंग होने लगा, क्यों उसके चीक्स में से खून निकलने लगा. तो हम सबको पता है कि द मॉस्किटो फ्लू एंड द पाउ स्टिक ऑन द टाइगर्स चीक, है ना. मॉस्किटो उड़ गया, उसके चीक्स पे से गुजर रहा था तो टाइगर ने पाउ लगाया तो मॉस्किटो उड़ गया और उसका पाउ जो है वो टाइगर को चीक्स पे लगा, है ना. तो हम लिखेंगे वाई से जब क्वेश्चन दिया गया हो तो हमको बिकॉज लिखना ही पड़ेगा. आप बिकॉज की जगह ड्यू टू भी लिख सकते हो, है ना. बिकॉज नहीं लिखना है तो ड्यू टू, ये स्पेलिंग भी आपको इजी रहेगा. राइट, तो बिकॉज द मॉस्किटो flew and found stuck his own cheek.
कैपिटल, राइट। सबसे पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड व्हेन द आंसर इज ओवर देन यू हैव टू डू द फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड द फुल स्टॉप। दिस इज द इंग्लिश मेथड, राइट। सो वी हैव टू फॉलो इन ईएस आल्सो। सो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड देन आफ्टर व्हेन द आंसर इज ओवर वी हैव टू डू द फुल स्टॉप। दिस आंसर इज वेरी हार्ड बट यू हैव टू डू पार्शियली लर्न, है ना, थोड़ा थोड़ा करना है। क्यों? टाइगर के चीक में से क्यों ब्लड निकलने लगा? तो पहले बिकॉज का स्पेलिंग लर्न करो, उसके बाद मॉस्किटो का स्पेलिंग लर्न करो, फिर फ्लू एंड पाव इतना लर्न करो। देखो पहले क्या लर्न करना है, बिकॉज, फिर द मॉस्किटो का स्पेलिंग, फिर करना है इतना स्पेलिंग लर्न, उसके बाद करना है इतना, और फिर करना है इतना, है ना। तो बिकॉज का स्पेलिंग क्या होता है? BECAUSE, बिकॉज। या तो बिकॉज नहीं लिखो तो ड्यू टू भी लिख सकते हो, ओके। द मॉस्किटो, मॉस्किटो का स्पेलिंग क्या होता है? MOSQUITO, मॉस्किटो। फ्लू का स्पेलिंग क्या होता है? FLEW, फ्लू, एंड PAW, पाव, राइट। स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक। HIS, हिज, OWN, ओन, एंड CHEEK, चिक। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लर्न करोगे तो आपको आ जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा लर्न करके एक रफ नोट में भी आपको लिख देना है, जैसे कि बिकॉज का स्पेलिंग लर्न हो गया तो बिकॉज का लिख दो, फिर मॉस्किटो का हो गया तो मॉस्किटो का लिख दो। ऐसा करके आधा आधा स्पेलिंग आप लर्न करोगे तो आपको पूरा आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट। नाउ थर्ड नंबर, व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे। टाइगर कहाँ से क्यों चला गया? उसने दो बार अपने पाँव को मॉस्किटो के ऊपर डाला लेकिन वो उड़ गया और दोनों ही बार उसके चीक्स के ऊपर पाँव लग गया और उसका स्क्रैचेस होके ब्लड निकलने लगा, राइट। तो फिर उसने सोचा कि अभी मॉस्किटो के साथ झगड़ा करना मुनासिब नहीं है, इसलिए वो टायर्ड होके हेल्पलेस होके चला गया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज। देखो पहले फिर से बिकॉज का स्पेलिंग तो आपने सेकंड नंबर में लर्न कर ही दिया है ना। बिकॉज फिर लिखना है द टाइगर, ऊपर से देख के लिखना है द टाइगर वॉज हेल्पलेस। टाइगर वॉज हेल्पलेस, तो है ना इजी। और क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ तो हम करेंगे फुल स्टॉप, राइट। और फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो बिकॉज का स्पेलिंग यहाँ लर्न किया है तो यहाँ तो आने ही वाला है। तो टाइगर ऊपर से देख के लिखना है, वॉज का स्पेलिंग भी आता है, सिर्फ आपको हेल्पलेस इतना ही लर्न करना है, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट डे मैं आपको टेस्ट की PDF भेजूंगी, वो आप अच्छे से लर्न करके लिख देना, ओके स्टूडेंट। बाय बाय।